तो गॉडफादर बियर का भैया बिल्कुल। हाँ, नया रूप देख रहे हो आप। पहले आता था ये लाल लाल, अब आता है वाइट वाइट। बिल्कुल क्लासिक बना दिया इन्होंने, गॉडफादर मूवी वाला फॉन्ट भी डाला हुआ है। लेजेंडरी फाइनेस्ट स्ट्रॉन्ग बियर, जो कि सही है। और लिखा है कि गॉडफादर बियर ओज इट्स डिस्टिंक्टिव टेस्ट टू द डेलिकेट ब्लेंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स एंड आइडियल प्रोसेसिंग। द बियर हैज़ वॉन लीजियंस और लॉयलिस्ट ओवर द ईयर्स। इट इज़ ऑल्सो वाइडली एक्सपोर्टेड वर्ल्ड वाइड। वाह भाई वाह, एक्स्ट्रा रिफ्रेशिंग, एक्स्ट्रा फ्रेशनेस। और सबसे बड़ी बात, द फ्लैगशिप ब्रांड ऑफ डिवांस गॉडफादर बियर हैज़ एन इलस्ट्रियस हेरिटेज एंड ए ह्यूज डिवोट USA फॉलोइंग। द बियर इज एक्सपोर्टेड टू USA, जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। देख रहे हो आप, तो इंटरनेशनल बियर पीने का सौभाग्य हो रहा है हमें। ब्रेवड एंड बोटल बाय डिवांस, जम्मू कश्मीर, सांबा। सांबा स्टेशन आता है जब हम कटरा की तरफ जाते हैं, उसके बीच बोरी तालाब, टिल्लो, जम्मू, जम्मू कश्मीर। और 6.5 देख सकते हो आप, 120 रुपये की हमें मिली है ये, 125 की, ध्यान नहीं आ रहा, दिल्ली में। तो आइए शुरू करते हैं लेजेंडरी बियर का लेजेंडरी रिव्यू। ये हमारी शाम है और इस शाम में आप भी शामिल हो चुके हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी कुर्सियाँ ले लें, और हमेशा मेरा मैसेज यही है, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, बी रिस्पॉन्सिबल एंड ईट वेल व्हेन यू आर ड्रिंकिंग। सो लेट्स सी गॉडफादर का रिव्यू कैसा होता है। तो क्विकली निपटाने की कोशिश करेंगे भाई, बुरा ना मानिएगा, और भी काम है। और साथ में पनीर मोमोज है, मन तो मेरा नॉनवेज खाने का ही था भाई, पर हमारे सरदार जी जिनसे हम खाते थे वो आजकल अब्सेंट है भाई, तो क्या करें। औरों का तेल मुझे ख़राब लगता है, सो आई डोंट प्रेफर। जैसे उस दिन वो कबाब लाया था ना, एक महफिल है बेकार कबाब, विद किंग फिशर, देख लेना। तो मैंने कहा भाई इससे बढ़िया तो अपना ओल्ड स्कूल चलने दो, विद मेयोनीज एंड तीखी चटनी। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ मेयोनीज, बट थोड़ी थोड़ी लगा लो मिर्ची लगे तो। पता है ना कौन से लड़के खाते हैं, आई एम जोकिंग। जय भैरव की। और आशा करता हूँ सबकी सेहत तंदुरुस्त है और सबका शहर मस्त है। अब कहा जा रहा है भाई जम्मू हिमाचल वगैरह में केस बढ़ रहे हैं देहातों में, तो भाई कोशिश करें सोशल डिस्टेंसिंग की। कई लोग कह रहे हैं हिसार में तो कुछ भी नहीं है, ऐसे घूम रहे लोग। जिम्मेवारी लें और सही चलें। चलिए मैं बताता हूँ गॉडफादर कैसी है। दिस इज़ अ फन रिव्यू। जैसे कि लिखा है भाई, एक्स्ट्रा फ्रेशनेस एंड एक्स्ट्रा जो भी लिखा था, तो वैसे ही है। और बिल्कुल आप नया इसका पैकेजिंग देख रहे हैं, कल हमने अपने दोस्तों को भी ये रिकमेंड करवाई थी, उन दोस्तों का कहना है कि बहुत बढ़िया निकली है ये, और हमें तो पता ही है भाई। क्या दोस्तों, गर्मी इतनी है, विस्की का तो मन ही नहीं कर रहा, तो बियर ही सही है यार, रिफ्रेश कर देती है, पर दिन में पी लो तो सुस्त कर देती है ना। और सुनाएं कैसे हैं सब घर में आपके, बढ़िया। पनीर मोमोज है हमारे साथ, चटनी थोड़ी अच्छी नहीं आज, बट कर लेंगे भाई गुजारा हम तो। को पता है मिडिल क्लास बंदा गुजारा करने के लिए आता है धरती पे, अगर मिडिल क्लास बंदा खूटा काटने की कोशिश करे तो आवाज़ें उठती हैं। जैसे कई आवाज़ें हमारी यूट्यूब पे उठ रही हैं, मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत अच्छा सपोर्ट है आप सबका। और यूट्यूब स्टूडियो के स्टैट्स मैं आपको किस दिन दिखाऊंगा, जिस दिन इस काबिल हो जाऊंगा, यानी 1000 सब्सक्राइबर्स के बाद मिनिमम।
और आज दिल्ली की वाइब बड़ी अच्छी है, थोड़ा मार्केट वार्केट खुल गया, पीपल आर नाउ लेस फियरफुल, खा रहे हैं पी रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग भी रख रहे हैं, तो बहुत समझदारी से चल रहे हैं दिल्ली की सरकार और दिल्ली के लोग। पूरे भारतवर्ष और दुनियावर्ष को कहता हूँ समझदारी से चलें, ना ज़्यादा डरें ना ज़्यादा डराएं, संविधान का पालन करें। बात खत्म। कई बंदे कहते हैं कांच में रिव्यू करने को, अभी कांच का ग्लास साफ कर रहा था, टूट गया भाई, कांच बिखरा पड़ा है, अभी भी साफ करूँगा मैं, साफ कर रहा था ऊपर उसका, वो धूप में रह रहा के कच्चा हो गया वो, तभी तो कांच है वो कच्चा। कई चीज़ें दोस्तों टूटने के लिए बनी होती है, दिल, कांच और बुंड और क्या बताएं, ये टूट, ओए राजू प्यार मत करियो, दिल टूट जाता है। राजू से याद आया, हमारे एक ट्यूशन वाले सर थे राजू, हैट्स ऑफ, दुनिया के बेहतरीन बंदों में से एक, जो आपको लेसन्स देते हैं, मेरे गुरु हैं। तो गुरु ने किया क्या भाई, हमने गुरु के फ़ोन में रिंगटोन लगा दी, ओए राजू प्यार मत करियो, और गुरुजी की, चलिए वो तो क्या बताना, तो गुरुजी की रिंगटोन बजा दी किसी ने, हमने में से ही ट्यूशन में। अब राजू सर का फ़ोन बज रहा है, ओए राजू प्यार मत करियो, ट्यूशन में जो बकचोदी फैली उस, बस फिर यही था कि सर को पता ही होता था यही कर सकते हैं और कोई कर ही नहीं सकता, सर को ऐसा लगता था, पर हम बहुत शरीफ थे भाई। एक दिन वो फायर एक्सटिंग जो भी होता है वो, जिससे आग बुझती है, वो चला दिया भाई, पूरी क्लास वाइट हो गई। अरे एक्चुअली ना सर लेट आते थे, अगर सर आप सुन लो मुझे तो माफ़ करना, आप नहीं सुनोगे तो पवन सर तो सुन लेंगे। वो सर लेट आते थे, अब हमें तुमने 10 का टाइम दे दिया, तुम 11:30 आ रहे हो, 11 आ रहे हो, उसके बाद भी कह रहे हो मेरे घर से ये ले आओ, तो यार फिर क्लस जाते थे बच्चे। बाकी गुरु जी की आदर होता है, अगर उनके यहाँ नहीं पढ़ते तो इतना ज्ञान नहीं प्राप्त होता हमें जिंदगी का। और दोस्तों इससे अच्छा कुछ नहीं होता कि आपके गली वाला दोस्त ही आपके क्लास में या स्कूल में या ट्यूशन में पढ़ रहा हो। मेरे घर के जो सामने रहता था बंदा, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरे साथ ही रहता था स्कूल में तो बहुत कम पढ़े, पर हमने काफ़ी एग्ज़ाम दिए हैं उसके साथ, और ट्यूशन में रहते थे एक साथ, वो बड़ी मस्ती करी, अब दूर दूर पेपर देने गए हैं, आज वो दिन भी याद आते हैं। आप लगा लो पेपर देने गए, पेपर हमें लगा मॉर्निंग का है पर पेपर था इवनिंग का, अब हम क्या करें, तो ऐसे ऐसे दिन कटे हैं। एक दिन एक पेपर बियर पी के भी दिया था। गॉडफादर का बहुत अच्छा फ्लेवर है, बहुत अच्छी है, पहले से भी अच्छी कर दी है, स्टिकर ही नहीं स्वाद भी बहुत अच्छा है, चिल्ड पीने का बहुत मज़ा है, हाईली रिकमेंडेड है, 5 में से 4.3, और दिल खोल के पिए बिल्कुल। किंगफिशर भी आजकल अच्छी आती है, बट किंगफिशर में जो एक गंदा सा फ्लेवर आता था कभी कभी या थोड़ी गर्म में, वो इसमें नहीं आता, ये अच्छी बात है, और स्ट्रॉन्ग दोनों ही बहुत है, तो स्ट्रॉन्गनेस के लिए हैट्स ऑफ है, और हर चीज़ के लिए अच्छी है, फॉर पार्टी, फॉर टूरिंग, फॉर स्लीपी फील करना चाहते हो तब भी अच्छी है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो 125 रुपये में अगर कोई बीयर आपको अच्छी क्वालिटी देती है तो हैट्स ऑफ है, और देख ही सकते हो आप। गॉडफादर मूवी की ट्यून लगा दूंगा मैं अगर कॉपीराइट ना आए तो, सॉरी एडिटिंग का टाइम नहीं मिलता भाई आजकल, पर फिर भी आप साधारण कंटेंट देखते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कंटेंट तो क्या ही हम बोले, बस मिल जाते हैं, बातें हो जाती है। चार चटनी अजीब सी लग रही है, मज़ा नहीं आ रहा ना चटनी में, मज़ा नहीं आया भाई। और ये है आज का सरप्राइज,
ये सेकंड पार्ट हो जाएगा, और पॉज किया था तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी पार्ट में चला देंगे, नहीं तो सेकंड पार्ट कर देंगे। रॉयल ग्रीन का मिनीचर, क्योंकि विस्की पीने का मन नहीं था, और बियर ही सही है, ह्यूमिडिटी वाला मौसम है, बॉडी भी थोड़ी हीट मार रही है, तो हमने कहा क्या करें। तो जैसे इंजन की इंजन में ऑयल डलता है, स्कूटी में ऑयल डलता है ना, बाइकों में, स्कूटी में, जहाज़ों में, वैसे अब ऑयलिंग करने की बारी आ गई है। रॉयल ग्रीन है दोस्तों, देख लो हरियाणा की या पंजाब की बता देता हूँ मैं, अगर हरियाणा की हुई तो चूतड़ फट जाएंगे, पंजाब की हुई तो ठीक ठीक रहेगा, चूतड़ तब भी फटेंगे दोस्तों। ये बहुत छोटा लिखा है यार, कैसे देखें इसको, देखिए हमने एक्सपर्ट को दी है चेक करने के लिए, कृपया प्रतीक्षा करें, दारू की लोकेशन चेक करी जा रही है। तो ये पंजाब से ही है, तो कम थोड़े कम चूतड़ फटेंगे, थोड़ी थोड़ी गिर रही है पर कोई बात नहीं। टेंशन ना ले अपनी छत है पीछे, ये मुगली उठती 555। और दोस्तों आप कहते हैं लाल परी की बातों बताओ, अब लाल परी को जाने दो यार, अब कोई नया किस्सा शुरू करते हैं। लाल परी को आना होता तो वो आ जाती भाइयों, नहीं आई उसकी मर्जी भाई, वी कांट फोर्स एनीवन ना, और आप भी किसी को फोर्स मत करना यार लड़की को, तो अगर आप लड़की हो तो लड़के को, इट्स ओके। एक बहुत अच्छा गाना है, उस गाने में इस ज़िंदगी की दास्तान है, कि अजीब दास्तान है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना तुम समझ सके ना हम। तो कुछ कुछ वैसी है भाई ज़िंदगी, तो राइटर्स बहुत कुछ लिख गए हैं दोस्तों, वही दवाई बन रहा है, जैसे संजू में उसके फादर उसे समझाते हैं कि दीज आर माइलस्टोन्स, की जिससे आपकी लाइफ स्मूथ हो सकती है, वो होते हैं राइटर सिंगर्स। पर आजकल लोग गाने भी ऐसे ऐसे सुन रहे हैं, डॉक्टर तो फिर क्या बोले, सही बात है, आई कैन रिलेट टू दिस। चलिए गॉड फादर का रॉयल ग्रीन के साथ मिक्सचर कैसा है ये भी बताता हूँ मैं कुछ ही चंद ही लम्हों में। स्मेल तो ओके लग रही है, बिल्कुल मिर्ची सी लगी है भाई, बहुत हीट छोड़ी है रॉयल ग्रीन ने। देखो वैसे तो गर्मी होने से झाग बनते हैं, पर झाग तोड़ दिए, अगर आपको दिख रहा होगा तो बट बहुत ही ना आप स्मूथ हो जाएगा, मतलब समझ रहे हो ना, मैंने एक कंट्री में देखा था भाई, वो बहनचो पता क्या कर रहे थे, उन्होंने एक गिलास में कुछ और भरा, एक गिलास बड़ा था एक गिलास छोटा था, दोनों को ऐसे रखा, एक गिलास के अंदर रख के उसको उठाया, दोनों एक बार में अंदर, पता नहीं टकीला था या क्या था, मेरी समझ से बाहर था। मुझसे पूछा गया आप क्या लोगे, मैं कहा भैया बियर की कैन है ये सब बैंचे होता है, हमें नहीं पता था, हम तो भाई बहुत छोटे लोग हैं। तो इतने बड़े बड़े मारती बैठे हैं दोस्तों। अच्छा कई वीडियो चक वीडियोज आती है ना, कई जैक डैनियल एक घूट में पी देते हैं पूरी बोतल, यार बहन चो रॉयल स्टैग, मैं तो ऐसा कभी रिकमेंड नहीं करता भाई, बियर तक ठीक है, बियर भी एक टाइम पे पी सकता है, थोड़ा पुराना शराबी हो जाए बंदा अगर, मतलब पुराना ड्रिंकर हो जाए तो।
तो यही डिस्कशन चल रहा था कि बंदे कैसे पी लेते हैं, मतलब पूरी पूरी बोतल। कई बंदे ने एक बार ट्राई किया, जैसे 100 ml या 60 ml या थोड़ा और ज़्यादा या पूरा क्वार्टर। कई बंदे बोतल पी जाते हैं यार, तो वो फेक होता है, रियल होता है, वो क्या होता है? तो ये कॉकटेल ड्रिंक है, इसे कॉकटेल कहते हैं, मतलब दो चीज़ों का मिश्रण है, कॉक भी है टेल भी है, जो कि बहुत मिर्चीदार है बट बहुत मज़ेदार है। हालांकि मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, बट कभी कभी अगर आपको भंग भोसड़ा करने का शौक है तो आपको कौन रोक सकता है जी। ठीक है जी, तो ठीक है। पीछे पता नहीं मंदिर से आवाज आ रही है, रामायण चालू हो गई क्या? क्या चालू हुआ है? अभी तो कोई त्योहार ही नहीं है। कोई पूजा है क्या? मुझे पता नहीं भाई क्या है, बट कोई नहीं, वो अपनी पूजा कर रहे हैं, हम अपनी पूजा कर रहे हैं। ना उनसे हमें खेद है, ना उन लोगों को हमसे खेद है भाई। शायद मंदिर बन रहा है तो लोग खुश है बहुत, और खुशी होनी भी चाहिए भाई। मतलब इस बार की दिवाली तो बहुत ही गांड फाड़ हुई। राम जी फाइनली वापस आ रहे हैं भाई अयोध्या में। हाँ सोचने की बात है, वो कहाँ गए थे? लोग समझ नहीं पाते ना पॉलिटिक्स क्या है। राम जी हमारे हृदय में है, हमारे मन में है, वो हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। इतने मंदिर है, राम जी किस किस मंदिर में जाएंगे बताना? अगर 1000 बनाओगे तो, या तुम सबसे बड़ा बना लोगे, क्या तुम्हारे मंदिर में ही रहेंगे वो? राम जी का इतना छोटा दिल थोड़ी है। जो बंदा 14 साल वनवास पे चला गया वो तुम्हारा मंदिर देखेगा भाई? मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो वैसे उनमें से था जो कहते थे मंदिर की मस्जिद की जगह हॉस्पिटल बना दो। आई एम हैप्पी, पर मंदिर पहले भी बहुत है। अक्षरधाम हम जाते थे, क्या मंदिर है भाई। आस्था मन में होती है, मंदिर मन के अंदर। यार पता नहीं लोग कब सीखेंगे। तो धर्मों के राजनीतिकरण से बचे मेरे यारों। अब आप कहोगे, आप मुझे गालियाँ दोगे, एंटी नेशनल एंटी हिंदू भी कह सकते हो, बट आप मेरे बारे में नहीं जानते मैं क्या हूँ, और मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप जो मर्जी कहें। बट मेरे मन में तो सबकी के लिए रिस्पेक्ट है, और मंदिर मन के अंदर, मंदिर मन के अंदर। मेरा राम भी है, मेरा श्याम भी है, मेरा शिव भी है, मेरा बुद्ध भी है, मेरा कृष्ण भी है, मेरा अल्लाह भी है, मेरा जीसस भी है। तुम रोक के दिखा दो। और हमेशा जो पीते हैं बंदे, अच्छे बंदे जो पीते हैं, वो हमेशा जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की नहीं करते। और हमारी सोसाइटी जो हमारे साथ पी रहे हैं सब्सक्राइबर्स, वो हमेशा जोड़ने की बात करते हैं, विच इज़ गुड। कितने कमेंट्स पढ़ लिए मैंने? हजारों। कोई नहीं डरता यहाँ पे, और हर हर स्टेट से लोग हैं, इवन बाहर से। बाहर के तो चलो वैसे ही नहीं डरते, इंडिया वाले ज़्यादा, क्योंकि पॉलिटिकल ड्रामा बहुत है हमारे यहाँ। चलिए यार, कभी मौका मिला तो सबकी स्टेटों में आएंगे। ये था रिव्यू, छोटा सा असर हो गया ज़बरदस्त, और आपके साथ बातें करके बहुत अच्छा लगा भाइयों। सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलता हूँ आपसे अगली बार किसी और वीडियो में, किसी और अंदाज में। कोशिश करेंगे कुछ नया करने की, ना कर पाए तो माफ़ करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।